अलैकुम जी, आज हम मैडम अमीना सैयद के साथ हैं। ये पाकिस्तान की पहली खातून है जो कि किसी मल्टीनेशनल कंपनी की हेड हुई, और करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, सेकेंडली ये कि ये पहली खातून है जिनको ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर का अवार्ड मिला। OICCI की इलेक्टेड प्रेसिडेंट रही, मेंबर रही FIA की, और पता नहीं बहुत बहुत कुछ माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसे हैं? तो आपके लिए तो हमने वैसे ही बहुत कुछ सुन के रखा हुआ था और बड़ा इश्तियाक था आपसे मिलने के लिए। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। थोड़ा सा बस हम जानना चाहेंगे कि आपका जर्नी, आपने किस तरह स्टार्ट किया। आई नो थिंग्स आर नॉट ईजी, लोग समझते हैं कि जी आप बस पहुंच गई हैं यहाँ पे। आई नो कि इसके पीछे बहुत स्ट्रगल्स होंगी, तो आप थोड़ा सा हमसे शेयर करेंगी कि तो जब या तो आदत ही थी खवातीन आ रही हैं, तो इस किस्म के बहुत मसाइल पैदा हुए। लेकिन साथ साथ जब मैं स्कूलों या यूनिवर्सिटीज में जाती थी तो वहाँ ज़्यादातर तो खवातीन होती हैं प्रिंसिपल, तो वहाँ एकदम से मुझे बहुत वेलकम किया जाता था और
बहुत आराम से काम हो जाता था, तो अपॉर्चुनिटीज भी थी, फायदे भी हुए, लेकिन चैलेंजेस भी थे। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, हम लोग बड़े खुशकिस्मत हैं कि आज वुमेंस डे भी है और माशाल्लाह आप जो है एक मिसाल हैं पाकिस्तान में जो जिन ख्वातीन ने वाकई कोई किरदार अदा किया है। हम सब ये जानना चाहेंगे, स्पेशली मेरा ये क्वेश्चन था जो मैंने आपसे पहले भी किया, व्हाई यू चूज पाकिस्तान, मतलब इसके पीछे कोई रीज़न है या क्या है? मतलब आप, मैंने अमूमन देखा लोग पढ़ लिख के बात करे जाते हैं, थोड़ी सी कैपेबिलिटी होती है, आपके पास तो चांसेस भी थे। जी, मेरे ख्याल में ये ऑप्शंस मैंने कभी सीरियसली नहीं लिए। अच्छा, ये बाहर रहने, क्योंकि पाकिस्तान में मुझे इतनी समझिए मौके नज़र आए काम करने के या किताबें शाये करने के, कि यहाँ मुझे लगा इतनी कहानियाँ हैं पाकिस्तान में जिनसे हम, जिनको हम, उनके बारे में हमें लिखना चाहिए, लोगों तक पहुँचानी चाहिए। यहाँ मतलब इतने काम हो रहे हैं और गांव देहातों में और बहुत कम लोग ये वैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि हम जो है किसी ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे मेरा काम होना जो है जी है, क्योंकि बाहर तो इतने डेवलपमेंट हो गई है, लेकिन यहाँ अब भी आपको हैरत होगी कि लोगों के पास घरों में लाइब्रेरीज हैं, ऐसी ऐसी उसमें किताबें हैं जो उनके फैमिली के पेपर्स हैं जिनमें तारीख, एक समझिए तारीख भरी हुई है। तो यहाँ मतलब ये टॉपिक्स बहुत हैं, सब्जेक्ट्स बहुत हैं, मवाक़े बहुत हैं, और जो किताबें लिखना चाहे या अपनी रिसर्च करना चाहे पीएचडी की, मेरे ख्याल में पाकिस्तान एक बहेश्त है उनके लिए। बिल्कुल सही है। तो और ये जो यहाँ मटेरियल्स हैं इनको अभी तक किसी ने इनका फ़ायदा ही नहीं उठाया, तो इसलिए मैंने सोचा कि यहीं रहना है और जो भी खिदमात करने हैं वो आखिर हमारा मुल्क है, यहाँ करने हैं। अच्छी बात है। अच्छा, अब क्योंकि आपका ताल्लुक एजुकेशन से है और माशाल्लाह आपने इतना काम किया है, तो हमारे जो सब करंट सिचुएशन जो भी एजुकेशन की चल रही है स्पेशली यूनिवर्सिटी लेवल में, तो आप इसके बारे में आप क्या कहेंगे, गुड या इसमें भी डेवलपमेंट की ज़रूरत है, आपको क्या लगता है? जी, मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरत है यूनिवर्सिटी में, यकीनन है, ख़ासतौर पर जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें बहुत मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। लेकिन मैं तो चाहूँगी कि यहाँ जो काम जो शुरू हो स्कूल के लेवल पे, ताकि जब बच्चा यूनिवर्सिटी तक पहुँचे तो काफ़ी इस हद तक उनका डेवलपमेंट और तालीम हो जाए कि वो यूनिवर्सिटी में भी आराम से काम कर लें। यूनिवर्सिटी में तो ये है कि फंडिंग उनके बेहतर करनी पड़ेगी, लाइब्रेरीज के लिए फंडिंग नहीं मिलती है और साथ साथ उनको ऑटोनॉमी भी देनी पड़ेगी, इतना ज़्यादा कंट्रोल ज़्यादा मेरे ख्याल में आजकल कंट्रोल ज़्यादा है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि प्राइवेट सेक्टर में इस कदर एक से बढ़ के एक यूनिवर्सिटीज खुल गई हैं, जैसे हबीब यूनिवर्सिटी, आगा खान का फैसला, अब आगा खान अपने लिबरल आर्ट्स की भी यूनिवर्सिटी में भी काम शुरू कर रहे हैं, यहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो प्राइवेट सेक्टर ने काफ़ी हद तक जो यहाँ बहरान था तालीम का उसको काफ़ी हद तक, जी हाँ, काफ़ी उसको कवर किया हुआ है। और अभी हमने देखने में भी आया है कि जैसे अब एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स को के लिए भी यूनिवर्सिटीज थोड़ा मेहनत कर रही हैं, कि उन्होंने स्पेसिफिकली एक सब्जेक्ट भी डाल दिया है, सो दैट जो बच्चा निकल रहा है तो वो मार्केट में उसके लिए ज़्यादा बड़े चैलेंज। जी हाँ, बिल्कुल, मेरे ख्याल में जो सही तरह जिनकी तालीम हुई है, और उसमें मैं हमेशा ये कहती हूँ कि देखिए रीडिंग बहुत ज़रूरी है, आपको जो थोड़ी बहुत जो कमी हो जाती है स्कूल में या यूनिवर्सिटी में वो आप खुद पूरी करें, खुद किताबें पढ़ें और उससे उनको खुद इतनी एक तो खुद एतमादी आएगी, क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल्स आ जाएंगी, अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ें, रिसाले पढ़ें, मैगजीन्स, और साथ साथ जो सेमिनार्स होते हैं कराची में काफ़ी होते रहते हैं, पैनल डिस्कशन सेमिनार्स, वहाँ जाएँ ताकि मुख्तलिफ सोर्स से उनका जो आइडियाज़ हैं एक्सपोजर हो। जैसा कि आप खुद फाउंडर हैं कराची लिटरेचर फेस्टिवल की, माशाल्लाह जी जी, इस बार भी मतलब हम हर साल देखते होते हैं माशाल्लाह, ह्यूज एंड सक्सेसफुल, उससे भी बहुत एक कंट्रीब्यूशन होती है मेरे ये ख्याल में कि लोगों को फिर वो किताबों से जाके उनका कनेक्शन बनता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि रीडिंग इसके लिए आप, मैं देख रहा होता हूँ कि आप कर रही होती है कुछ ना कुछ, के लोग जो है वो पढ़ें और बुक से उनका इनकी मोहब्बत जो है ये पढ़ें,
تو یہ ماشاء اللہ ایک آپ کی بہت اچھی کنٹریبیوشن ہے. اچھا دوسرا یہ کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اب جو ہماری جنریشن آ رہی ہے آپ پاکستان میں ان کے حوالے سے کوئی پوٹینشیل دیکھتی ہیں کہ از دیئر اینی پوٹینشیل؟ جیسے آپ نے ماشاء اللہ سرو کی، آپ نے پوٹینشیل دیکھا اور آپ کام کر رہی ہیں ماشاء اللہ، تو ابھی جو ہماری جنریشن ہے اس کے لیے آپ کیا سمجھتی ہیں؟ ان کے لیے بے حد، میں تو کہتی ہوں بے حد پوٹینشیل ہے. یہاں آج کل پاکستان میں جو اسٹارٹ اپ شروع کر رہے ہیں، میرا بھی کبھی کبھی ان سے تعلق رہتا ہے، ملاقاتیں رہتی ہیں. بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، تو اصل بات یہ ہے بہت موٹیویٹڈ ہیں. اور میرے خیال میں آپ دیکھیے گا 8-10 سال میں یہی لوگ ہیں جو بہت ہی ابھی جو اسٹارٹ اپس شروع کر رہے ہیں یہ بہت کامیاب ہوں گے، گلوبل لیول پہ ہوں گے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، اور کافی انہیں تو گلوبل ریکگنیشن لی بھی ہے ماشاءاللہ. جی جی، لی ہوئی ہے، اور بہت محنت کر رہے ہیں بہت جتن سے. اور وہ یہی ہے کہ ایک تو ان کو یہاں تعلیم ملی ہے، میرے خیال میں اچھی ملی ہوگی، لیکن وہ خود اپنے آپ کو مزید انڈیپینڈنٹلی تعلیم دے رہے ہیں، وہ سیکھ رہے ہیں. اچھا کوئی ڈریم ابھی ہے آپ کہتی ہیں کہ نہیں ابھی اتنا سب کچھ کر رہی ہے ابھی بھی یہ کرنا ہے؟ جی اصل میں وہ تو ختم ہی نہیں ہوتا ہے. جتنا کیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ پاکستان میں ایک تو لٹریسی ریٹ بڑھ جائے. ابھی جو کہتے ہیں کہ 55% ہے، لیکن وہ اس بیسس پہ کہتے ہیں کہ جن کو اپنا بس نام کا دستخط کر وہ لٹریٹ کہتے ہیں. لیکن جو سمجھیے انٹرنیشنل جو ڈیفینیشن، وہ تو یہ ہے کہ آپ ایک دو پیراگرافس آپ لکھ سکیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری لٹریسی ریٹ بڑھے. اسکولوں میں تو جا رہے ہیں، انرولمنٹ بڑھ رہی ہے، لیکن لرننگ میں یا سیکھنے میں ابھی اتنی ترقی نہیں ہوئی ہے جتنی ہونی چاہیے. اور اس میں تو انشاءاللہ پھر جی ہاں کسی اسٹیج پہ جا کے آپ کا انشاءاللہ خواب پورا ہوگا. تو تھینک یو سو مچ آپ نے ٹائم دیا. انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر ہم کبھی دوسری ملاقات بھی کریں گے، اور پھر بھی آگے ہم انٹرویوز کرتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ، تھینک یو ویری مچ.